लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। एनसीपी के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े ने आज तमाम पदाधिकारी के साथ बेलापुर के होल्डिंग पॉइंट का दौरा किया और मनपा आयुक्त से उसकी सफाई कराने की मांग की। अशोक गावड़े ने कहा कि बेलापुर के होल्डिंग पॉइंट्स कई वर्षों से साफ नहीं कराए गए हैं, जिनकी वजह से यहाँ मैंग्रोव बढ़ गए हैं और इलाकों में जल जमाव एवं बाढ़ का कारण बन रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। होल्डिंग पॉइंट्स में दिख रहे ये मैंग्रोव आजकल बेलापुर शहर इलाके में जल जमाव और बाढ़ का जरिया बन रहे हैं। आज नवी मुंबई एनसीपी जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े ने बेलापुर के इन होल्डिंग पॉइंट्स का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से इन होल्डिंग पॉइंट्स की सफाई नहीं हुई है, इससे इलाकों में जल जमाव होता है और दुकानें पानी में डूब जाती है। इस मसले को लेकर एनसीपी के उपाध्यक्ष धनाजी खराड़े ने मानपा आयुक्त को भी शिकायत दी है, हालांकि अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस अवसर पर व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिकों ने समस्या बताया कि वही एनसीपी जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े और अन्य पदाधिकारियों ने इस पर तत्काल पहल करने की मांग की। शुड़को ने नवी मुंबई एक अच्छा सिटी यहाँ लोगों के लिए बसाया है, इसलिए मैं आयुक्त महोदय से निवेदन करूँगा, क्योंकि ऐसे ऐसे जो होल्डिंग पॉइंट्स है आज आप मैंग्रोव के वजह से उसके ऊपर हाथ लगाते नहीं, लेकिन कोर्ट के निर्देशन में महापालिका के प्रशासन ने कोर्ट को बताना चाहिए कि ये मैंग्रोव जो है ये मैंग्रोव पहले से नहीं है, बल्कि वो बहते बहते आया है और उसके वजह से यहाँ मैंग्रोव हुआ है। लेकिन यहाँ होल्डिंग पॉइंट है और होल्डिंग पॉइंट में वो जो डीप है वो नेचुरल डीप उसको तैयार करना चाहिए और 6 महीने में एक दफ़े तो कम से कम इधर राउंड मार के उसका निरीक्षण करना चाहिए। नवी मुंबई के अंदर जितने होल्डिंग पॉइंट है वो पूरा का पूरा उसने साफ करना चाहिए, ऐसी मैं विनंती आयुक्त महोदय से करूँगा। आम्ही जाऊन आयुक्तांशी बोलून कि बाबा नु जे मैंग्रोव का पार्ट है तो बाजूला ठेवून सेकंड स्टेज मध्ये, फर्स्ट स्टेज मध्ये आपण जे पंप हाउस है तो पंप हाउस मधले काय पंप खराब है, त्या पंप हाउसच्या आजूबाजूला काय ड्रेजिंग करण्यासारखी ओपन फेस आहे ते आपण करावं आणि आपलं काम पहिल्या स्टेजमध्ये तरी चालू करावं, म्हणून महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी आमच्या अध्यक्षांना किंवा आमच्याबरोबर असलेल्या सर्व सहकाऱ्यांना आमचा मान हे करून, म्हणजे त्यांनी आमचं कामाचं काम बघून ती मान्यता दिली। ज्या वेळेला पाणी पाऊस येतो त्यावेळेला आम्ही अर्धरात्री उठून बसावं लागतं, कारण जर माल दुकानातला भिजला तर माल ठेवायचा कुठे, घरी नेऊ शकत नाही, घरी पाणी भरतं, दुकानात पाणी भरतं, लाखो रुपयाचं नुकसान होतं दरवर्षी। नगरसेवकांना बोलवलं तर ते म्हणतात आम्ही पंप चालू केलेत, कुठले ते ड्रेनेजच्या पंपात काय पावसाचं पाणी जात नाही, सगळं टॅक्स भरूनसुद्धा आम्हाला आमची सवय आम्हाला जर मिळत नसेल मग त्या टॅक्सचा फायदा तरी काय, मग कशासाठी नगरसेवक बनतात। खराडे सरांनी गेल्या 6 महिने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या कानावर ही गोष्ट घातल्यानंतर त्यांनी तातडीने जे नवी मुंबईमध्ये अजितदादा येतात ते कोणत्या कारणासाठी येतात हे लोकांपर्यंत देखील गेलं पाहिजे आणि सिबडीतली महत्त्वपूर्ण समस्या सोडवण्याकरता निर्णय घेतले आणि निर्णय घेतल्यानंतर याची आज वर्क ऑर्डर देखील झालेली आहे। निश्चित थोडासा देखील आम्हाला आणि व्यापारी वर्गाला, कारण मी तिथला रहिवासी आहे, आम्हाला आता रात्रीची झोप निवांतपणे फुडच्या नाही तर त्याच्या पुढच्या पावसाळ्यामध्ये लागेल। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।